तो वही टोंक के देवली में आमजन और व्यापारी भी कोरोना वायरस से लड़ाई में अपनी लगातार भागीदारी निभा रहे हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने भले ही प्रदेश में पूरे दिन दुकानें खोलने के निर्देश दिए, लेकिन देवली में व्यापारी प्रशासन से सामंजस्य रखकर कोरोना से बचाव के लिए अनूठी मिसाल दे रहे हैं। छूट के बाद भी देवली के व्यापारी प्रशासन के निर्देश पर सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक दुकान खोल रहे हैं। इसके बाद व्यापारी अपना सामान समेट कर घर चले जाते हैं, तो वहीं आमजन भी 2 बजे से पहले ही अपने सब जरूरी कार्यकाल निपटा लेता है। इसको लेकर हमारे संवाददाता मनीष बागड़ी ने शहर का जायजा लिया। लॉकडाउन 4 लागू होने के बाद राज्य सरकार की ओर से व्यापारियों व आमजन को बड़ी राहत दी है। इस दौरान प्रदेश के सभी क्षेत्रों में व्यापारियों को पूरे दिन भर दुकानें खोलने की छूट दी है, लेकिन इसके बावजूद भी देवली में व्यापारियों व प्रशासन के सामंजस्य से एक अनूठी मिसाल कायम हुई है, जिसके चलते प्रशासन ने सभी व्यापारियों को कोरोना वायरस से संक्रमण से एहतियात तौर पर बचने के लिए दोपहर 2 बजे तक दुकानें खोलने के निर्देश दिए, जिसको व्यापारियों ने भी मानते हुए देवली के तमाम व्यापारी, चाहे वो राशन के हो, चाहे कपड़ों के हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक सामान के व्यापारी हो, दोपहर 2 बजे तक ही वो अपनी दुकानें खोल रहे हैं। जैसे ही 2 बजते हैं सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर घरों की ओर जा रहे हैं। मैं इस समय देवली के मुख्य बाज़ार में हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार देवली का बाज़ार आपको सोना दिखाई पड़ रहा है। दोपहर 2 बजते ही सभी व्यापारी दुकानें बंद कर घरों की ओर चल दिए। व्यापारी व प्रशासन के आपसी सामंजस्य से जो अनूठी मिसाल कायम हुई है वह बेहद सराहनीय है। कैमरा पर्सन शिवपाल के साथ मनीष बागड़ी, एवन टीवी न्यूज, देवली टोंक।